प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वीडियो सीरीज के क्रम में आज हमारे कंटेंट हैं द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एंड बैक बॉन्डिंग। वीडियो सीरीज के क्रम में हमने पिछले वीडियो में जाना संयोजकता बंध सिद्धांत एवं इसकी कमियां। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे विद्युत उदासीनता सिद्धांत या इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो आइए शुरू करते हैं, ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एवं बैक बॉन्डिंग क्या है समझने का प्रयास करें। वन डिफिकल्टी विथ द वैलेंस बॉन्ड एजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल आयंस इन द बिल्ड अप अ फॉर्मल नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल। संयोजकता बंध सिद्धांत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसके अनुसार जब लिगेंड है वो धातु परमाणु या आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो धातु पर औपचारिक ऋण आवेश आ जाता है, और धातु पर जब ऋण आवेश होता है तो उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व घटाने वाला ही होगा। तो जैसा कि इसको हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कोबाल्ट सेकंड का कोई कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट सेकंड, कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट सेकंड सच ए Cl6(2+), यानी यहाँ कोबाल्ट क्या है, मेटल आइंस है, और L क्या है, लिगेंड है। दी सिक्स लिगेंड्स शेयर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो छः लिगेंड है कोबाल्ट को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन विथ दी मेटल्स धातु के साथ, दे बाई कंट्रीब्यूटिंग टू दी फॉर्मल चार्ज ऑन दी मेटल एट टोटल ऑफ -6। इस कंट्रीब्यूशन से मेटल पर -6 फॉर्मल चार्ज उत्पन्न हो जाता है, औपचारिक आवेश आ जाता है। इसमें से +2 तो आयनिक आवेश से उदासीन हो जाएगा। +2 कहाँ है, ये कोबाल्ट है, वो यहाँ कौन सी स्टेट के अंदर है, कोबाल्ट +2 स्टेट के अंदर है। तो +2 चार्ज तो -6 से +2 गए, कितने बचे, -4, विच इज ओनली पार्शियली कैंसल्ड बाई द मेटल आयनिक चार्ज ऑफ +2। जो मेटल आइंस का +2 चार्ज है उसके द्वारा कुछ आंशिक उदासीन हो जाता है -6 का जो फॉर्मल चार्ज उत्पन्न हुआ है, जो औपचारिक आवेश उत्पन्न हुआ है। रेस्ट ऑफ -4 चार्ज, ये उदासीन होने के बाद जब नेट -4 चार्ज रह जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पाउली ने ये बताया, हाउएवर पाउली पॉइंटेड आउट व्हाई मेटल्स pointed out while metals would not in fact exact with such unfavorable negative charge, हालांकि ये ऐसे महसूस है करता है मेटल ऐसा ही हो जाता है नेगेटिव चार्ज होने पर मेटल आइन पे, लेकिन पॉलिंग ने ये समझाने का प्रयास किया कि जब यदि डोनर एटम है, लिगेंड का कौन सा एटम, डोनर एटम ऑफ एन लिगेंड्स आर इन जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन हो सकता है डोनर एटम के रूप में, और ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध है, उस बंध के जो साजित इलेक्ट्रॉन हैं वो मेटल की तरफ नहीं रह करके वो किस ओर रहेंगे, अधिक लिगेंड की ओर रहेंगे, क्योंकि लिगेंड का जो डोनर एटम है वो उच्च विद्युत ऋणी है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स। ओके, ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण पॉसिबल हुआ है। पॉलिंग ने क्या सजेस्ट किया, दैट कॉम्प्लेक्स वुड बी मोस्ट स्टेबल व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड वाज सच दैट द मेटल अचीव्ड ए कंडीशन ऑफ एसेंशियली जीरो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज।
ये इलेक्ट्रो ये जो मेटल पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है, पॉलिंग ने ये सुझाया कि वो ही कंडीशन कॉम्प्लेक्स को स्थायी बना सकती है जब आवश्यक रूप से मेटल पे जो चार्ज है या तो जीरो हो या जीरो के नज़दीक हो। तो दिस टेंडेंसी फॉर जीरो और लो। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम्स इज ए रूल ऑफ थंब नॉन एज दी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये ही रूल्स है वो क्या कहलाया, विद्युत उदासीनता का नियम कहलाया, विद्युत उदासीनता सिद्धांत कहा। यानी कि जिस मेटल पे शून्य जीरो चार्ज होगा या जीरो के नज़दीक कोई आवेश होगा वो कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा। एंड इट इज़ यूज टू मेक प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन मैनी टाइप ऑफ कंपाउंड्स नॉट ओनली कॉम्प्लेक्सेस। पॉलिंग हैज़ मेड सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस कोरिलेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम्स। आप यहाँ समझने का प्रयास करें कि दूसरी बात तो ये है कि दाता परमाणु सामान्यतया अधिक ऋण विद्युत होने के कारण नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हेलोजन होते हैं, तो धातु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा बराबरी पर नहीं होता है, हम जानते हैं। पॉलिंग ने यह भी सुझाया कि वे स्थायी संकुल होंगे जिसमें धातु पर आवेश की मात्रा या तो शून्य के करीब है या शून्य है। तो पॉलिंग ने क्या किया, सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस के द्वारा, अर्ध मात्रात्मक गणनाओं के द्वारा संकुलों के स्थायित्व एवं केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश के मध्य संबंध स्थापित किया। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बेरिलियम सेकंड एल्यूमिनियम थर्ड के दो दो संकुलों की हम यहाँ विवेचना करेंगे। इससे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। तो यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल्स के तौर पर ये बेरिलियम टेट्रा एक्वो बेरिलियम सेकंड कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ है हेक्सा एक्वो एल्यूमिनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो क्या है, स्टेबल है। और हेक्सा एक्वो बेरिलियम सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड हेक्सा एमीन एल्यूमिनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स आर नॉट, ये दोनों स्टेबल नहीं है और ये दोनों स्टेबल है। इसका कारण यह है कि क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम पे उन्होंने जो सेमी जो क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस के द्वारा बेरिलियम पे आवेश उन्होंने निकाला है -0.08 आवेश, और एल्यूमिनियम पर उसने आवेश सॉरी बेरिलियम का जो हेक्सा एको वाला कॉम्प्लेक्स है उसका आवेश उन्होंने -1.12 निकाला, जो कि इतना आवेश ये है जो कि अस्थायी है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एको का वो स्थायी है, लेकिन हेक्सा एमीन का है वो संकुल क्या है, अस्थायी है। तो इससे संबंधित आप ऐसे समझने का प्रयास, बेरिलियम मेटल पे नहीं होकर के पूरे कॉम्प्लेक्स पे होता है, और इसका सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन के आधार पर बेरिलियम पे चार्ज कितना निकाला पॉलिंग ने, -0.08 आवेश ही रह जाता है। ये जीरो के निकटतम मान है, इसीलिए बेरिलियम का जो हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी है, अधिक स्थायी है, सॉरी टेट्रा एक्वो कॉम्प्लेक्स है वो अधिक स्थायी है। इसी प्रकार ये एल्यूमिनियम की बात करते हैं, यहाँ हेक्सा एक्वो है और यहाँ कितने चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -6 का नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और -6 और +3 तो इसका न्यूट्रलाइज हो गया एल्यूमिनियम मेटल पे जो आवेश है उससे, +6 और तो शेष बचा -3 फॉर्मल चार्ज, और -3 का जो चार्ज है वो एल्यूमिनियम और पूरे कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार स्प्रेड आउट होता है कि इसका मान है वो अप्रोक्स जीरो के लमसम होता है। इससे ये बेरिलियम टेट्राएक्वो वाला कॉम्प्लेक्स एंड एल्यूमिनियम हेक्साएक्वो वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो तो स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, इस केसेस में बेरिलियम हेक्साएक्वो में बेरिलियम पे 6 एक्वा लिगेंड की वजह से -6 का फॉर्मल चार्ज डेवलप हुआ, जो +2 तो
प्लस टू की वजह से तो ये न्यूट्रलाइज होकर के माइनस फोर शेष बचा है, और माइनस फोर के आधार पर इन्होंने जब कैलकुलेट किया सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस के द्वारा पॉलिंग ने, तो इस पर आवेश आया माइनस 1.12। तो ये जीरो से थोड़ा अधिक है होने के कारण ये हेक्सा एक्वोबेरिलियम सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसा ही है वनस्पत टेट्रा एक्वोबेरिलियम सेकेंड के। इसी प्रकार ये एल्यूमिनियम्स की बात, हेक्सा एमिन एल्यूमिनियम्स में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन एमीन में नाइट्रोजन डोनर एटम है, और हेक्सा एक्वो एल्यूमिनियम में एक्वा में ऑक्सीजन है वो डोनर एटम है। नाइट्रोजन की जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम होने के कारण ये इतना यूटिलाइज नहीं कर पाता है आवेश को, जो कि जीरो के सन्निकटतम मान प्राप्त नहीं होता है सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस के द्वारा। इसीलिए हेक्सा एमीन एल्यूमिनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स अस्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। देर आर मेनी कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एग्जिस्ट इन ए लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ विद्युत उदासीनता की बात तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये अब एक दूसरी बात है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। देर आर मेनी कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एग्जिस्ट इन ए लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड येट इज बॉन्डेड टू एन एलिमेंट ऑफ फेयरली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं जिनके जिनमें मेटल्स आइंस पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो मेटल्स आइन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली होती है, तथा जो लिगेंड के बॉन्डेड एटम हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी लो होती है, फिर भी वह कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। इसका एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आर द ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका ये जो उदाहरण है, देखिए ए लार्ज क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच द लिगेंड्स CO यानी लिगेंड्स जो कार्बोनिल है इज बाउंड टू द सेंट्रल मेटल थ्रू कार्बन। Source of stability in these complexes is the capacity of the carbon monoxide ligand to accept a back donations of electron density from the metal atoms within valence bond theory. तो इसके लिए एक examples के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये chromium है और इस chromium के एक ligand है carbonyl। ये कार्बोनिल लिगेंड है वो क्रोमियम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसंयोजक बंध के द्वारा क्रोमियम का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। कार्बोनिल लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्रोमियम पर बढ़ गई है। अब इस इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पर जो फॉर्मल आवेश हुआ नेगेटिव का, उस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम के जो जो डी ऑर्बिटल्स हैं फिल्ड डी ऑर्बिटल्स उनमें इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के रिक्त एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझा करके बैकबॉन्ड करके पाई बंद का निर्माण करते हैं। इसको हम पश्च बंधन कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं, और इस बैक बॉन्डिंग के द्वारा इस मेटल आइंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, फॉर्मल जो आवेश उत्पन्न हुआ है निगेटिव का वो कम हो जाता है, और इस क्रोमियम और इस कार्बन लिगेंड कार्बोनिल लिगेंड का जो सी कार्बन है इसके मध्य डबल बॉन्ड करेक्टर यानी पाई बंद का निर्माण हो जाता है, और इस कार्बोनिल कार्बन का सी और इस ऑक्सीजन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इसका करेक्टर किस में कन्वर्ट होने लगता है, डबल बॉन्ड में, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड के लक्षण ज़्यादा दिख रहे हैं देखे गए हैं। और इस मेटल और इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ बैक बॉन्ड के कारण डबल बॉन्ड के करेक्टर ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो इस कारण से
ये जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स की है, लेकिन वीबीटी ने इसको इस तरह इस संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बैक बॉन्डिंग को इस प्रकार नहीं समझाया गया है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बैक बॉन्डिंग को रेजोनेंस के द्वारा समझा दिया गया है। ये देखो रेजोनेंस का साइन है, तो ये मेटल है और ये लिगेंड है, और इधर ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो इसको किस आधार पर समझा दिया गया? रेजोनेंस के आधार पर समझा दिया गया, यानी कि जो मेटल के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें बैक बॉन्डिंग को सही तरीके से वीबीटी एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। ये भी एक कमी रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और इस ही कारण से इन्हीं कारणों से इस प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत है इसे अनुनाद द्वारा समझा देता है, और इसके स्थायित्व की सही व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर संबंध संभव नहीं होती है। संयोजकता बंध सिद्धांत की इन्हीं कमियों के कारण संकुलों की व्याख्या करने के लिए आजकल इसका कम उपयोग किया जाता है। इसके स्थान पर CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड जो सिद्धांत है थियोरी है, या तथा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स थियोरी MOT का उपयोग किया जाने लगा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थियोरी के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा YouTube चैनल पे, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक्स एंड कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।